ये था सही कॉम्प्लीमेंट, किसी की जरूरत है। समय की बहुत सारी पाबंदियां हैं तो वंस मोर के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सिंगर्स को तो मिलते रहे, म्यूजिशियंस भी जहां जहां ठीक समझा वहीं पे उनका इंट्रोडक्शन हुआ, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक आज के हमारे म्यूजिशियंस बोर्ड्स पर साथ निभा रहे हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं लगातार करता रहा, बट देन आई फील कि ऐसा फॉर्मल इंट्रोडक्शन म्यूजिक लवर का नहीं हो सकता है। एनीवे, इज अनवर हुसैन जी आज की बोर्ड पर हमारा साथ निभा रहे हैं, श्रीकांत निवासकर जी, प्रदीप पाटकर जी कीबोर्ड्स पर। दोस्तों लेट मी नॉट से इट अगेन एंड अगेन कि ये सब कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था, किसी का बायोडाटा रीड करने से किसी की पहचान नहीं होती, पहचान तो बस आपसे हो ही रही है। बेस गिटार पर हमारा साथ निभा रहे हैं मनीष कुलकर्णी, एकॉस्टिक पर किरण हिंगणे जी, सितार जुबैर शेख जी, मैंडोलिन नूर सज्जाद जी, बांसुरी की मधुर धुन सुन रहे हैं आप विजय तांबे जी से, परकशंस पर जादू जगा रहे हैं राजीव नाइक, ढोलक पर सचिन धामणकर, कोंगो ढोलक अभिजीत नार्वेकर, तबले का एक अलग रस एक अलग अदा आपके लिए प्रसाद मलनकर जी जगा रहे हैं, और पैड पर इंस्ट्रूमेंट ना वेस्टर्न होता है ना इंडियन, होती है तो सिर्फ एक स्टाइल वेरी स्टाइलाइज परफॉर्मर शेखर सरफरे। हमारी आवाज़ आप तक अच्छे अंदाज में ला रहे हैं, और ये सारी रोशनी यहाँ का ग्लैमर, दिस इज ऑल बाय नाखवा साउंड सर्विसेज। और दोस्तों एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर आमंत्रित कर जिनका इंट्रोडक्शन या जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, बचपन से लेकर आज तक जिनकी आवाज़ और जिनका म्यूजिकल सेंस हम इस अंदाज से सुन रहे थे कि वो हमें कभी फॉर्मल कंपेयर या मास्टर ऑफ सेरेमनी लगे ही नहीं। वी नेवर लिसन टू हिम एज कंसेप्ट विजुलाइजर या परफॉर्मर। जब भी उनकी आवाज़ सुनी कभी ऐसा लगा कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बड़े प्यार से किसी चीज़ को समझा रहा हो, कभी लगा कि बिल्कुल अजीज करीबी दोस्त कंधे पर हाथ जमाए बड़े प्यार से कुछ कह रहा हो। वक्त के साथ हर चीज़ बदली, नहीं बदली तो संगीत की चाहत, और संगीत की चाहत जगाने वाली वो आवाज़ अमीन सयानी जी, मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए। दोस्तों ये मेरा बरसों पुराना ख्वाब था, जिनकी आवाज़ सुनते सुनते एक पूरा जनरेशन निकल गया। आज उन्हें बिल्कुल इतने करीब पाकर आई एम एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने की जरूरत भी नहीं कर सकता। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप दोषित कहें। शुक्रिया बेटे। मैं इन्होंने कहा कि इतना करीब पाकर रेडियो के जरिए करीब नहीं होता हूँ भाइयों, आज बड़ी खुशी है यहाँ आया हूँ। एक और ग्रुप देखा मैंने आज, कुछ गायक इसमें गायिकाएं ऐसी भी हैं जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, सुन चुका हूँ जिन्हें। अनवर साहब को मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ सुनने की, अब तक वो बजा ही रहे हैं, सुना सुना है, बहुत अच्छा गाते भी हैं। आज खुशी खास तौर पर इस बात की है कि इतने ज्यादा लोग हैं बम्बई में, बम्बई इस शहर में, जिन्होंने संगीत को बड़े संभाल कर रखा है, बहुत लगन के साथ, बड़े प्यार के साथ संगीत के जो मोती हैं, मोती जो खजाने में भरे हुए हैं, उनको महफूज रखा है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं बहुत प्यार से, बड़ी मेहनत से ये पुराने पुराने गानों को चुन चुन कर, खूबसूरत गाने चुन चुन कर लोगों के सामने पेश करते रहते हैं, और हमें इन सबको दोबारा सुनने का मौका मिलता है, न सिर्फ उन बड़े बड़े गायकों और गायिकाओं के स्वर से जिन्होंने पहले पहल इनको गाया, लेकिन वो नौजवान भी जो बहुत खूबी के साथ संगीत में डूब कर ये गाने पेश कर रहे हैं। इन सब की तरह मैं भी एक छोटा सा मुहाफिज हूँ इन पुरानी यादों का, इन खजानों का, क्योंकि
पिछले 50 बरसों से इन तमाम लोगों को, इन बड़े बड़े संगीतकारों को, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स, सिंगर्स, इन सब से मिलता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी रहे हैं, इनको रिकॉर्ड करता रहा हूँ, और न सिर्फ इनके गाने मैंने इकट्ठा किए हैं बल्कि इनकी बोलती हुई आवाजें भी इकट्ठा की हैं। आजकल एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम 93.5 रेड FM पर आ रहा है हर रविवार की रात 8 से 10 बजे, जिसे मैं पेश करता हूँ, आप जरूर उसे सुने। बड़े ही नायाब, बड़े खूबसूरत इंटरव्यूज उसमें आ रहे हैं। अभी संडे को ओपी नैयर का 2 घंटे का इंटरव्यू आया, और भी हर हफ्ते कुछ न कुछ होता ही रहता है। इत्तेफाक से इसका जो पहला प्रोग्राम हुआ था आज से करीब 19 हफ्तों पहले, वो मदन जी से ही शुरू हुआ, और मदन जी के 2 बड़े प्यारे इंटरव्यूज मेरे पास हैं जो कि मैंने उसमें पेश किए। दत्ता का एक इंटरव्यू है बहुत खूबसूरत मदन जी के बारे में, और भी छोटे छोटे इंटरव्यूज और थे। लता जी ने मुझे बड़ी अजीब अजीब सी चीजें बताई मदन जी के बारे में। अनवर साहब आप भी सुने, वो कहने लगी कि मदन भैया जो हैं वो उनमें कुछ वो आर्मी पना भरा हुआ है, वो बड़े कुछ सख्त टाइप के आदमी भी हैं और दिल बहुत नरम भी है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे ये जमाने में। और साहब इनका जो प्यार करने का तरीका है और जो तरीका हुआ करता था, शाबाशी देने का तरीका हुआ करता था, लता ने कोई चीज बहुत अच्छी गाई तो आकर लता की पीठ पर जोर से एक ढाप देते थे, धड़ा, तो बेचारी दुबली पतली लता जी जो है हिल जाया करती थी, बुरा नहीं मानती थी। क्योंकि जब पहले पहल मदन जी फिल्मों में आए तो पहले गायक की हैसियत से आए थे, और लता ने मुझे बताया कि मदन और लता ने एक ड्यूएट साथ गाया जो कि भाई बहन का ड्यूएट था, और उसी गीत के साथ ही लता ने मदन जी को राखी बांधना शुरू किया, आखिर तक बांधती रही। मदन जी ने भी अपने इस सिपाही पने का इजहार अपने इन 2 इंटरव्यूज में किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह वो राजा मेहदी अली खां से जूझा करते थे, कभी चिमटा उठा लेते थे तो वो कभी कुत्ते को कह देते थे भौंको इस पर। जे ओम प्रकाश जो थे एक्टर भी और प्रोड्यूसर भी, उनके साथ एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हो गया तो मदन कहने लगे उनको, अब तो देख ओम, एक लफ्ज भी तूने और बोला तो मैं तुझे सेकंड फ्लोर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो कहने लगा, अच्छा मदन फेंक देना तू, मैं गिरूंगा, मेरी हड्डियां टूटेंगी, मैं कराहूंगा, लेकिन करा कर भी यही बोलूंगा कि पिक्चर में म्यूजिक लूंगा तो मदन मोहन का लूंगा। इतना प्यार था अपने सभी साथियों से मदन जी का, और इतना गुस्सा भी कभी कभी आ जाता था उन्हें, जो कि एक बड़े आर्टिस्ट की निशानी रहती है। आग भगवे कभी शोला कभी शबनम, ये बहुत अजीब गरीब इंसान थे मदन मोहन, जिनके अमर गाने ये लोग इतनी खूबसूरती के साथ, इतने प्यार के साथ आप सबको सुना रहे हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह आपका जो काफिला है वो संगीत का वो आगे बढ़ता रहे, ये सितारों की बारात आगे बढ़ती रहे, और नगमा और शेर की ये बारात किसे पेश करूं कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सामने लोग स्वीकार करने के लिए हमेशा मौजूद है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन हम लोग सारे इतने एक्साइटेड थे कि सभी में फॉर्मेलिटीज और फॉर्मेलिटीज, आप बिल्कुल इनफॉर्मल हैं, आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, सम्मान करना चाहेंगे। अनवर जी के हाथों यादों का, गीतों का और बातों का सिलसिला था। अमीन सैनी जी यहाँ आए और उन्होंने भी कुछ एक बातें, कुछ एक ऐसे किस्से कहे जो हमें और आपको हमेशा याद रहेंगे।